नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसीआर। आज करनाल में ट्रांसपोर्टरों द्वारा हड़ताल की गई है, चक्का जाम किया गया, क्या उनकी मांगे? हमारे साथ हैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहित नरवाल जी, उनसे जानते हैं। सर, आज नारेबाजी क्यों की जा रही, क्या मामला है? ऐसा है जी, हमने काफ़ी टाइम ऐसे, मतलब हमारा महीना भर हो गया लगातार सीएम साहब से अपॉइंटमेंट लेते हुए, हमारे हरियाणा के सेक्रेटरी हरदीप सिंह जी लगातार सीएम साहब से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, परंतु हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। पीछे हमने हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी हैं, उनसे हम फरीदाबाद में मिले थे, उन्होंने हमारे को दोबारा चंडीगढ़ बुलाया। हम अपनी पूरी टीम के साथ चंडीगढ़ गए, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को बुलाया गया। वहाँ उन्होंने बोला जो 1968 का जो एक्ट है, जो भी 2018 में दोबारा लागू किया, हमने बोला कि जितने भी गाड़ियों के टैक्स परमिट हैं आप उसमें चेंजिंग करिए, जैसा कि राजस्थान सरकार ने करे हैं। इन्होंने सब इस एक्ट को वापस करने का काम किया। हरियाणा सरकार से हमने अपील करी कि आप इस ट्रक वाले की, ट्रांसपोर्टर की सहायता करें, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया जिससे ट्रांसपोर्टर को कोई राहत मिल सके। तो हमने चंडीगढ़ में ये फैसला लिया था कि हम 17 तारीख को हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे कमर्शियल वाहन हैं उनको बंद करने का काम करेंगे। सुबह 10 बजे से 6 बजे तक सरकार को ये साबित कराना चाहेंगे कि सरकार आपसे पूरी तरह से नाराज है हम लोग। तो आज चक्का जाम है पूर्ण रूप से, कब तक ये चक्का जाम रहेगा? ये शाम को 6 बजे तक रहेगा। हरियाणा के अंदर हम केवल इसको कर रहे हैं, इसके बाद अगर आज भी कोई मैसेज हमारे पास शाम को नहीं आता है, 20 तारीख को हमने विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, 17 तारीख को, 20 तारीख को हरियाणा पंजाब के 4 से 5 हज़ार ट्रांसपोर्टर इकट्ठे होकर के विधानसभा चंडीगढ़ के बाहर बैठ करके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या मांग है सरकार से? हमारी मांगे हैं कि जो हमारे को टैक्स और प्लंटी ब्याज जो सरकार ने दे रखा है, हम किसी भी गाड़ी का जब टैक्स टूट जाता है हम उसके ऊपर प्लंटी ब्याज भरने का काम करते हैं, फिर भी जो आरटीओ डीटीओ जो ये गुंडे हमारे ऊपर छोड़ रखे हैं, ये हमारी गाड़ियों को ऑफिस के अंदर से, गाड़ी कहीं वॉशिंग कराती है वहां से उठा करके उनको चलान करने का काम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं ये कौन सा संविधान है, आप गाड़ी को किसी के ऑफिस से उठा करके चलान कैसे कर सकते हो? आप हमारे से जब उसकी प्लंटी ब्याज सब कुछ ले रहे हो, जैसा कि ट्रैक्टर ट्रालियां जो चलती हैं इसके बारे में उन्होंने लगातार बोला है कि आप इनको बंद करवाने का काम करो, आप हमारे को राहत दो। ये डीजल पेट्रोल इतना दाम बढ़ चुका है कि मतलब ट्रांसपोर्टर पूरी तरह से मर चुका है, इसलिए हम सरकार से विनती करना चाहते हैं। सेंटर सरकार से काफी बार हमारी एसोसिएशन मिल चुकी है, परंतु सरकार का इसके ऊपर कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। 10 साल के बाद ट्रक भी सड़कों पर नहीं रहेंगे उनको पास। अभी ये डेली चिट्ठी आ रही है, अभी 2 तारीख को भी चिट्ठी आई है जो सेंटर सरकार में, जो सेंटर सरकार ने पीछे कोरोना के टाइम में टैक्स के लिए जो हमारे को छूट दी थी, कोई भी स्टेट सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी 2 तारीख को चिट्ठी वायरल कर दी है, पीछे का जितना भी आपका ईयरली 16,500 रुपये का टैक्स होगा आपको वो उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं इतनी दादागिरी 7 साल से जब से सरकार आई है देश में, इतनी दादागिरी और आज तक पहले हमने कभी नहीं सुना था। तो हमारे साथ हरदीप जी हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, NCR में करनाल को आने का क्या फ़ायदा मिला, ट्रकों को 10 साल के बाद बाहर कर दिया गया? देखो जी, पहली बात तो करनाल NCR के अंदर आता ही नहीं है। दिल्ली का जो दायरा बना हुआ है 100 किलोमीटर का, आप नाप लो, ये 100 से 130-135 किलोमीटर करनाल का एरिया पड़ता है। पहली बात तो आता नहीं, पता नहीं किस बेवकूफ़ आदमी ने करनाल और जींद दो जिले काफ़ी सालों बाद ये अंदर घुसा दिए। हमें कोई एक सरकार एक भी फायदा सुना दे कि NCR में करनाल से क्या फायदा हुआ, एक भी। आप तो बीजेपी के वर्कर कार्यकर्ता हैं, तो सरकार से नहीं सुन रही? बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते पूरे हरियाणा के अपने बटवा के हमारे पदाधिकारियों ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि आपके सीएम हैं, आप उनसे मिलो और हमारी बातों को सीएम के आगे रखो। लेकिन मैं 4 दफ़ा सीएम से मिल चुका हूँ, 4 दफ़ा सीएम को मिल चुका हूँ। एक बार 3 महीने पहले मेरी डिप्टी सीएम दुष्यंत चाले खुद टेलीफोन पे बात हुई थी, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ, मैंने उससे भी टाइम मांगा। मैंने 14 जिलों के अंदर DTO, RTO और DC, SP और DTO तीनों को मैंने नोटिस निकला ले अपना 14 राज्यों में कि हमें इन बातों का जवाब दिया जाए, लेकिन हमारे को नोटिस का कोई जवाब कहीं से कुछ नहीं आया। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है इस टाइम पूरे हरियाणा में। गडकरी साहब जो कहते हैं, ये जो स्टेट के सीएम है उन गडकरी साहब की भी कोई बात नहीं मानता। अभी पीछे आपने सुना होगा गडकरी साहब ने 3 जो बैरियल थे इधर अपना मध्य प्रदेश और अपना नागपुर में वो बंद करवा रखे हैं, उनको हटाया जाए, लेकिन गुंडागर्दी या देखो राज्य सरकारों की के वो उसके कहने पे भी बंद नहीं हो रहे। तो आपको क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं? एक आपको ट्रालियों का सामना करना पड़ रहा है, वो आपको किराए पर नहीं मिल आगे चलने दे रहे। पहली बात तो काम का बहुत मंदा है, फैक्ट्री इंडस्ट्री सारी बंद पड़ी है। दूसरी बात है, हमें ट्रैक्टर ट्राली खा गए हैं, ये तो बिल्कुल ही उन्होंने हमारा धंधा बंद कर दिया है। और क्या करते हैं, ट्रैक्टर ट्राली के अंदर 25-25, 24-24 टन चावल भर के ढोए जा रहे हैं, जबकि हमारा ये गाड़ी खड़ी है 1 लाख रुपया साल का तो हम सरकार को देते हैं इस गाड़ी का परमिट बीमा टैक्स, वो सरकार को कुछ भी नहीं देती। 1 लाख चलने देने के बाद भी हमारी जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हैं। ट्रैक्टर ट्राली का तो वैसे भी सब कुछ माफ है,
सब कुछ माफ है जी, उनका ना तो टोल लगता, ना उनका तेल लगता, ना कोई टैक्स किसानों के नाम पे नहीं जी। अवैध चला रहे हैं, मिलके चला रहे हैं, सब मिले हुए हैं अधिकारियों से, मिले हुए हैं, मिन्ना भरते हैं, विरोध नहीं करते, विरोध करते हैं। हमने कई बार डीटीओ को मैंने ट्रालियां पकड़वाई है, बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है, क्यों नहीं पकड़ते ट्रालियों? जब भी देखो आप चले जाओ, आप डीटीओ दफ्तर अभी चले जाओ, वहां पर आपको ट्रक ट्रक मिलेंगे, बस मिलेंगी खड़ी हुई, ट्राली एक भी दिखा दो। मैं पूछना चाहता हूँ डीटी साहब से, मुझे साहब ने 6 महीने में कितनी ट्रालियां पकड़ी है उन्होंने? कमर्शियल चलाए जा रहे हैं, धल्ले से चलाए जा रहे हैं, नाम किसानों का, बिल्कुल नाम किसानों का है नहीं, सबको पता है जी, किसानों का कोई नाम नहीं है। ट्राली जो ट्राली है व्यापारी के नाम है, आरती के नाम है, शैलर वाले के नाम है, या शैलर के अंदर जो ठेकेदार है उन्होंने अपनी, अब ये नहीं हम कह सकते जी, झूठ हम बोलेंगे नहीं, मतलब कहने के क्यों चल रही है, हमें तो इसका मतलब चाहिए, क्यों चल रही है, कौन चला रहा है इनको, कहीं ना कहीं तो है ना, बिल्कुल ट्रक तो घर में से फैक्ट्री के अंदर से भी निकाल लेते हैं, अब लोड है इसका, चलान करो, बंद कर दो, और ट्राली ट्राली दिन में सरे हम चल रही है। आज आप हड़ताल तो सारा दिन रहेंगे? नहीं, शाम के 6 बजे तक हमारी हड़ताल है, इसके बाद फिर अगर हमारी आज भी नहीं माननी तो अगली रणनीति हमारी अपनी बटवा की, जो पूरे रहने की टीम है, हमारे प्रधान बैठे हैं रोहतक झज्जर में, सिरसा में हमारे अपना बैठे हैं राष्ट्रीय, वो उनसे बैठ के मीटिंग की जाएगी, मीटिंग करने के बाद अगला एजेंडा जो है वो चाहे रोड जाम करने का हो चाहे जो भी हो वो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये थे हरदीप जी जो कि ट्रांसपोर्ट के बारे में सारी बता रहे थे, वहीं सुमित जो मोहित नरवाल है उन्होंने भी बताया, और आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नारेबाजी लगा के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, और अपने ट्रक उन्होंने जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया, ताकि उनकी सरकार तक आवाज़ पहुंचाई जा सके। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 10 साल के बाद ट्रकों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा उसका विरोध है, ट्रैक्टर ट्रालियां जो चलाई जा रही हैं उनका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली जो किसानों के नाम पर चलाई जा रही है और वो धड़ल्ले से किराया कर रही हैं, ट्रक उससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर के आज जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सड़कों पर हैं और हड़ताल करके अपना चक्का जाम करके अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने, और जो उनकी मांग है ट्रैक्टर ट्रालियों को जो है बंद किया जाए, और जो 10 साल का सड़कों के ऊपर न उतरने का ट्रकों का फरमान सुनाया गया सरकार, वो आदेश वापिस ले, इन्हीं मांगों को लेकर आज वो सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मैं हूं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।